बच्चों, कल हम सिलेजिनेला पढ़ रहे थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। सिलेजिनेला में दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें ट्यूबर्स, बल्बिल्स या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अब मेनली जो है वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। जैसा कि आप जानते हो कि सिलेजिनेला जो है वो हेट्रोस्पोरस है, यानी इसमें दो टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, जबकि मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स छोटे होते हैं और नंबर में अनेक होते हैं, जबकि मेगास्पोर्स बड़े होते हैं और नंबर में 2 से 4 होते हैं। और ये सभी स्पोरेंजिया स्पोरोफिल की एक्सिल में यानी कक्ष में सिंगली बनते हैं। तो वो स्पोरोफिल जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, और जिसमें मेगास्पोरेंजिया होते हैं उसे मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। अब ये सभी स्पोरोफिल्स मिलकर स्टेम या ब्रांच के शीर्ष पर एक लूज या कॉम्पैक्ट कोन लाइक संरचना बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। अब जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम ए जो है वो स्ट्रोबिलस का डायग्राम है, जिसमें सभी स्पोरोफिल्स मिलकर स्ट्रोबिलस बनाते हैं। अब अगर हम इसकी संरचना देखें तो मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज में मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों एक ही कोन में प्रेजेंट है, जैसा कि आप डायग्राम डी में देख रहे हैं। लेकिन इनके अरेंजमेंट में बहुत वेरिएशंस पाया जाता है। मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज में ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जबकि नीचे की तरफ मेगास्पोरेंजिया होते हैं। कुछ स्पीशीज में कोन एक्सिस के एक साइड पर मेगास्पोरेंजिया और दूसरी साइड पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि कुछ स्पीशीज में नीचे की तरफ केवल एक मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और बाकी सभी माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। अब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको जो पीडीएफ में ई नोट्स दिए हैं उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब जैसा मैं लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं कि सिलेजिनेला स्ट्रोबिलस में, जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, जबकि मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजियम बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं, जबकि मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल्स बनती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनाती है। इसी तरह मेगास्पोरेंजियम में जो मेगास्पोर मदर सेल्स बनती है वो मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स बनाती हैं। जैसा कि पहले आपने डायग्राम में भी देखा था, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो लार्ज इन नंबर बनते हैं, जबकि मेगास्पोर्स 2 या 4 नंबर में होते हैं।
ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल गैमिटोफाइट बनाते हैं, जबकि मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमिटोफाइट में एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं और उनसे एंथीरोजॉइट्स बनते हैं। इसी तरह फीमेल गैमिटोफाइट से आर्किगोनियम बनते हैं और उसमें एक सिंगल एग प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम आर्किगोनिया के नेक पर शीर्ष पर एक पैसेज या छिद्र बन जाता है, जिससे एंथ्रोजॉइट्स जो होते हैं वो आर्किगोनिया के नेक तक पहुंच जाते हैं और इस पैसेज के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं और एग से फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाते हैं, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये अपने और चारों ओर एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, थिक वॉल्ड वॉल बना लेता है, और इसे हम ऊ स्पोर कहते हैं। अब इस डिप्लॉइड ऊ स्पोर में फिर मियोसिस नहीं होता, ये डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो जो है वो फिर से डेवलप होकर सिलेजिनेला प्लांट बनाता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल में क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक स्टेज है स्पोरोफाइट और दूसरी है गैमिटोफाइट। क्योंकि सिलेजिनेला प्लांट स्पोरोफाइट है, इसलिए यहाँ पर डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, जबकि दूसरी फेज जो है वो गैमिटोफाइट है। तो इस तरह से क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। थैंक यू।